इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन के सीनियर ट्रस्टी बनी है। अच्छा। और आपकी तनख्वाह 1,000,000 pounds होगी साल की। ठीक। आपके पास रोल्स रॉयस, अंग्रेज ड्राइवर, फर्स्ट क्लास का टिकट, एक्सपेंस अकाउंट, सारे क्रेडिट कार्ड, हर चीज होगी। खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, खास आपने ना बोला। ये खान साहब इतने खुददार इंसान है, इतना खुददार आदमी है। खान और खान साहब की एलायदगी आपके नजदीक फिर से बताइए कोई वजह? पाकिस्तान, पाकिस्तान उसके दिल में गरीबों का। वो खान साहब अच्छे हैं और उसकी यही एक उम्दा मिसाल है कि एलायदगी के बाद भी जमाइमा और खान साहब आज भी मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत गहरे अनु एक दूसरे की कदर करते हैं। बिल्कुल कदर करते हैं, बड़ी भारी रिस्पेक्ट है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जो जमाइमा खान के ऊपर केसेस बने थे किसी चोरी, अरे जी ऐसा तो नाम आप लाइए भी मत। जब आप खान साहब की और जमाइमा की मुझसे बात कर रहे हैं उसमें नवाज शरीफ का नाम मत डालिए। इतना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इकबाल हो, दाम हो। ये इंग्लैंड में जो अबरार कुरैशी साहब है ये वो थे, तो ये आपने सुन लिया किसी वजह से। आज एक टॉपिक पे बात होएगी, तो ये आज का क्लिप जो है ना, लाडले के नाम नहीं, आज का क्लिप है अकरा हसन के नाम या अकरा इकरा सईद के नाम वगैरह वगैरह। ये ट्विटर पे भी बीन बनी हुई है, ये वो बड़ा है कि कौन है अकरारुल अजहर वसीम बदामी के सर पे, वसीम बदामी का नाम है। इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि हमने क्लिप जो है इकरा हसन के नाम करना है। आपको तो मैं ज़रा वर्स स्टाइल का हूँ, तो वो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट। अच्छा जी, ये स्टोरी आपको सुनानी है जी। जब 2020-21 में हो गया फाइनल के अब तो खान साहब को चलता करना वगैरह वगैरह, तो टीम बनानी शुरू कर दी थी बाजवे भड़वे ने, तो जो कराची के कोर कमांडर साहब हैं, दो बुढ़िया आदल राजा कहते ने, बुढ़िया दो ने, मशूका तीन ने लैदा, चलो दो कह लो या तीन कह लो, उनको तीनों को एक बना लो ना वगैरह वगैरह, टीम बनानी शुरू कर दी उन्होंने। आईबी से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से फैसल नसीर को आईएसआई में कर लिया। उस वक़्त जब उसके रेड हुआ था कमरे पे, तो अंदर से कोई कहते मुनीब पकड़ा गया, तो कोई आईबी वाले कहते मुनीब था अंदर, तो दूसरे कहते नहीं वो रांझा था, वो जो रांझा जिसने खान के ऊपर ये केस किया हुआ है गढ़ी वाला, तोशा खाना की मैंने, उसका मामा भी मुजफ्फर रांझा, वो था आरओ इलेक्शन वाला। अच्छा जी, उसको इधर ले आया तो वहीं पे इनकी सिटी मिलनी शुरू हो गई ऐसा आस्ता आस्ता था। फिर अब कंट्रोल करना था मीडिया को, मीडिया को थोड़ी बैकग्राउंड जाके फिर आपको समझ आएगा ना, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा जी आस्ता आस्ता करो, तो हनी ट्रैप बनाया जाए। हनी बनी हनी ट्रैप, जो फहीम रजा काम करता है उन्होंने फैसल नसीर की ड्यूटी लगाई। एक लड़की थी तो मैथ कम्युनिकेशन के, इस वजह से अपर मिडिल क्लास की थी, मैं तेरे को रोटी लभदी सी उन्होंने, गाड़ी शाड़ी पे भी भाई छोड़ जाता था इसको इकरा को, अभी कभी बाइक पे भी आ जाते थे। उन्होंने इसको आईएसपीआर में भर्ती करवा दिया, आईएसपीआर में चले गई। आईएसपीआर में यूनिफॉर्म वाले भी होते हैं तो सिविल भी होते हैं। अच्छा जी, मैं तो बड़ा, मेरा बड़ा तजर्बा इनमें जाने आने का, आईएसपीआर लाहौर, आईएसपीआर पिंडी, आईएसपीआर कोयटा, आईएसपीआर पेशावर, इन चारों जगह पे मैं गया हूँ अल्लाह के फजल से। अच्छा जी, वो बच्ची उधर कर ली। इन्होंने जब आईएसपीआर के टूर बनाने शुरू करते ना, और नादरन एरिए में उधर शोरी शोरी उधर चल के फिल्म बनानी शूट करनी, उस बच्ची को भी झूठे देने का प्रोग्राम कर लिया कि आ जाओ जी ये भी तू भी झूठे ले ले हेलीकॉप्टर के जहाज के। भाई एयर टिकट हुई वसीम बदामी और यही करा की, रास्ते में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी होगी होगी, अच्छा हम एक ही मिशन पे जा रहे हैं, अच्छा आप एआरवाई की तरफ से जा रहे हैं, अच्छा मैं आईएसपीआर की तरफ से, अच्छा 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 वसीम बदामी ऑलरेडी शादीशुदा, फिर वो चले गए तो आस्ता आस्ता फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, फिर उन्होंने शादी कर ली। चलो यार
कर ली, खुफिया कर ली, फिर वो भी हमारी तरह कभी इस घर में जा, कभी उस, कभी खोकर सैफ खोकर के पप्पो के घर जा, कभी जा वहाँ पे तो वहाँ पे तो वहाँ पे। लेकिन उन्होंने फैसल नसीन को कहा था कि हमें चाहिए आपको पैसे जो दिए हुए थे या आपके लाडों प्यारों में रखा हुआ चुम चट के, तो हमें रिजल्ट चाहिए। वो करी लगी हुई, मैं लगी हुई कोशिश कर रही है वो, उन्होंने उसके पीछे जो बरा था उसमें चिप भी फिट कर दी। सच्ची बात है, वो कहता है यार तू उतें फिट करनी सी, कभी और कोई जगह ही नहीं सी है कि मैं कितने फिट कर दा। शर्म की बात है क्या, लेकिन मेरी भैन है मेरी बच्ची हो नाराज ना होना, ऐसे ऐसे हालात होते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको पता भी होना चाहिए। वो चिप भी फिट कर दी तो वहाँ पे मसनू तरीके से सवाल इधर को करे, वसीम बदामी जवाब इधर को दे। वसीम बदामी को तो नहीं पता था इसके साथ चिप फिट हुई। बहरहाल उसने ना अपनी अदाओं से, अपनी प्यार से, अपनी सर्विसेज से, सर्विसेज समझते हैं ना जो इमरान मुनीर सब, तो उसी नहीं समझोगे, और जद्दे रहने वाले कितने समझते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सेक्स की मेडिसिन सऊदी अरब में बिकती, लाहौल वाला कुआ, जो खजूरें खुद खाते हैं उनको भी जरूरत होती है। अच्छा जी, ये भी साथ 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 चलती, दुनिया में 7,000 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। नाल नाल आपको ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं, 7,000 प्लस हैं जुबानें बोली जाती हैं। चलो, फिर जब उसने कहा जी ये इमरान खान के खिलाफ चलना, तो शुरू हो गया। फिर अब देखे 2021 के बाद उसने अपना डालमिया ही अपना काबा ही तब्दील कर लिया, तो वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब उसका एक बच्चा बच्ची भी हो गया, फिर कब तक चुप चुप के मिलती, आखिर घर में प्रेशर भी बड़ा होता है वगैरह वगैरह। उसने इकरा ने बेचारी ने घर बता दिया था कि मैंने शादी कर ली वसीम बदामी के साथ, अब आप मेरा रिश्ता ढूंढना बंद कर दें। क्या करते हो, जब मैथ कम्युनिकेशन पढ़ाओगे तो चाखे तो उतर जाते हैं ना। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, अब चलते चलते कल या हाँ कल का उसका हैक हो गया, फैसल नसीर ने करवा दिया ये। लेकिन फैसल नसीर ने कहा इकरा को, ये थी ब्रेकिंग न्यूज़, कि मैंने नहीं किया, आईएसआई ने या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने किया होगा, या वो कल के मेजर मोहम्मद अदील अकील कौन था जिन पे मैंने टिकटॉक का प्रोग्राम किया था, आदाब अर्ज, शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आई लव यू माई व्यूवर्स। अच्छा जी, वो जो उसने आते ही कर लिया होएगा, कम्युनिकेशन तो उसके पास भी, उसका अकाउंट हैक हो गया तो उसने फटाफट अकरारुल हसन ने थे, बरारुल हसन ने थे, फलाने हसन ने कहा जी उसका अकाउंट हैक हो गया, तो वहाँ से कुछ नापसंदीदा मवाद भी अपलोड किया गया जो अब डिलीट हो गया, अब मैंने सुबह देखा, और नापसंदीदा बातें भी होगी तो बेचारी को उसकी भी बदनामी होती। तो इस वजह से हर प्रोफेशन में गंदे हैं, हर प्रोफेशन में गंदे हैं, लेकिन जब आप उस उन्हीं में रहेंगे मीडिया वाली लाइन में तो ज़्यादा अट्रैक्शन आती है, ये कहने का मकसद था। तो बेचारी का कसूर कोई नहीं है, उसने तो चलते रही, फिर अपने माँ बाप को भी बता दिया, फिर वो वसीम बदामी को भी बता दिया उसने कि मैं इस तरह हो रहे थे, तो इन्होंने कहा था तेरी नंगी बनाते बलान, तो मैं कहाँ से बनाती, मैं इज्जतदार, मेरी छोटी बहन है, भाई है, मेरी भाभियाँ हैं, मेरे माँ बाप ये वो वगैरह वगैरह, इसने फिर उसको बता दिया था उस बदामी को। मैंने करना नहीं था, पहले कहीं भी पता था, लेकिन जब उन्होंने कर लिया लाल तो फिर छुप के कर ली, घर में दबाव बड़ा होता है, दूसरी बीवी के कुट पड़ने का आसार होते हैं, सालों से कुट पड़ने के आसार होते हैं, तो उसने कर ली छुपा के, फिर बता ही देनी थी। ये क्या कहते हैं, प्यार और महक कहीं नहीं छुपती, तो ये छुपनी नहीं थी। तो इसमें जो ट्रोलिंग हो रही इकरा की वो बिल्कुल गलत हो रही, मैंने आपको पूरी वजह बता दी कि इस तरह भी ट्रैप आने ट्रैप हो जाते हैं। अब वो देखते हैं अपना काबा बदलता है कि अभी भी चलता है नाहक इमरान खान के खिलाफ। तो ज़ेबा चौधरी वाली दरख्वास्त इमरान खान ने कहा था खारिज करो इसको, वो खारिज नहीं की, उसका मुकदमा चलने लगा है।
जेबा चौधरी जो कहती थी पांच जज, ये पांच फलाना, ये बेंच फिक्सर और ये वो कुछ नहीं कहती थी। नवाज शरीफ को बरी कर दिया, करारी बात खत्म हो गई। जे फ्लैट होते थे होते ही नहीं, शर्म नहीं आई यार इसको भी। वो कौन था जो जज था साथ, एक तो ये बगैरत था ना, दूसरा भी बगैरत निकल, उसने नहीं पूछा अच्छा वो फ्लैट तो बता दो यार जाते जाते वो किसके थे और एक्शन किसके है, नए वालों को लोगे कि नहीं लोगे जिन्होंने ये केस बनाया था, ये तो बता दो। लेकिन नहीं, आफरीन है बगैरत है, कुट कुट के भरी हुई बगैरत, बगैरती मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में और माशरे में भी भर दी।